वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। आज यहाँ पे मैं आप लोगों को शॉर्टेस्ट रूट इन ए रेक्टेंगुलर ग्रिड का कैलकुलेशन बताऊंगा, कैसे इसे कैलकुलेट करते हैं। और लास्ट में एक सवाल मैंने आपके लिए बचा कर रखा है, वो छोड़ूंगा, वो आप प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे हम कुछ टर्म्स देख लेते हैं। सबसे पहले लैटिस पॉइंट क्या होता है, तो आप ध्यान दीजिए, अगर आप एक्स वाई प्लेन में, या मैं से कह दूं ए और बी, सपोज देयर एग्जिस्ट टू पॉइंट्स ए एंड बी, बिलोंग्स टू टू डायमेंशनल स्पेस सच दैट ए एंड बी बोथ आर इंटीजर, इनको हम क्या कहेंगे, लैटिस पॉइंट। यानी यहां पे जो भी एम एन पी ए बी ई डी, ये सारे क्या है, लैटिस पॉइंट्स हैं। इसके अलावा जब भी आप लैटिस पॉइंट्स को प्लेन में कंसिडर करते हैं तो इक्वल स्पेसिंग उनके बीच में होनी चाहिए। तो यहाँ पे इक्वल स्पेसिंग है, वो हमने 1 यूनिट मान रखी है, ठीक है, इस फिगर के अकॉर्डिंग। हमें यहाँ पे अगर ओ से सी की तरफ मूव करना है तो नंबर ऑफ शॉर्टेस्ट रूट्स क्या क्या होंगे। जब भी आप शॉर्टेस्ट रूट की बात करते हैं तो आप राइट या फिर अप ऐसे ही मूव करेंगे। कहने का मतलब ये है, आप यहां से ऐसे मूव कर सकते हैं, आप ओ से गए इस तरीके से, ये वाला रूट आप फॉलो कर सकते हैं यहाँ पे। यानी आपका रूट क्या होगा, ओ एम ई डी सी, या फिर आपका रूट यहां पे क्या होता है, ओ एम एन डी सी, ओ एम एन डी सी, या फिर आपका रूट क्या होता है, ओ एम एन डी सॉरी ओ एम एन पी सी। ऐसे ही आप अगर ओ ए इससे स्टार्ट करेंगे तो आपके पास रूट्स होंगे ओ ए एन डी सी, या फिर ओ ए एन पी सी, या फिर ओ ए बी पी सी। तो टोटल नंबर ऑफ वेज आपके पास कितने आ गए, 6 आ गए। अच्छा, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स अगर आपको काउंट करने हैं तो लैटिस पॉइंट्स कितने, 9। यानी आप सिंपल कैलकुलेशन करेंगे, जो भी आपके पास एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं उसमें आप 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर दीजिए तो नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स मिल जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे नंबर ऑफ वेज को हम नॉर्मल काउंटिंग से कैसे कनेक्ट करेंगे जरा देखते हैं। यहाँ पे जब भी आप शॉर्टेस्ट रूट की बात करेंगे तो कैसा रूट नहीं ले सकते, वो भी देख लेते हैं साथ साथ। हम यहाँ पे इस तरीके का रूट कंसिडर नहीं करेंगे कि पहले मैं ओ से ए जाऊं फिर ऐसे, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, मैं राइट गया अप गया लेकिन लेफ्ट आ गया, और मेरी कंडीशन क्या, शॉर्टेस्ट रूट में हम राइट और अप ही मूव करेंगे। यानी हम ऐसा मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, ये शॉर्टेस्ट रूट नहीं रहेगा, यानी ये वाला पॉसिबल अप्रोच नहीं होगा, वे नहीं होगा, ओ ए एन एम ई डी सी, ऐसा रूट आप फॉलो नहीं करेंगे। अच्छा, तो आप ये देखिए आपके पास कितने राइट्स और कितने मिस, जो स्टेप्स की बात कर रहे हैं, यानी आप 2 यूनिट राइट गए हैं और 2 यूनिट अप गए हैं। तो अगर आपको टोटल नंबर ऑफ शॉर्टेस्ट रूट्स निकालने हैं तो आप उसमें से क्या करिए, नंबर ऑफ राइट स्टेप्स या नंबर ऑफ अप स्टेप्स यहाँ से काउंट कर लिए, जो यहाँ पे दिख रहा है, मीन्स ओ बी या ओ ई, वो आप क्या करिए चूज कर लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए, यानी 2 + 2 C2। तो नंबर ऑफ वेज क्या हुए, 4 C2, यानी इसको आप काउंट करेंगे कितना आएगा, ये 6 आएगा। अच्छा, हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हमने एक दूसरा फिगर कंसिडर कर रखा है, यहाँ पे मेरे पास जो हॉरिजॉन्टल स्पैन है वो एम है और वर्टिकल जो भी है वो एन है, यानी ये एम क्रॉस एन का एक रेक्टेंगल हमने बना लिया है। इसमें टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट का कैलकुलेशन भी आप समझ लीजिए, यहाँ पे नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट ये होंगे हमारे m प्लस 1 इंटू एन प्लस 1, ये नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स है। अब यहां पे मैं अगर आपसे कहूं कि मुझे भाई o से p तक मूव करना है तो टोटल नंबर ऑफ शॉर्टेस्ट रूट्स कितने होंगे, फ्रॉम o टू p के लिए नंबर ऑफ शॉर्टेस्ट रूट क्या होंगे,
तो भाई हम कहेंगे नंबर ऑफ शॉर्टेस्ट रूट जो भी होंगे ओ से पी के लिए, आपके पास एम प्लस एन टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स हैं, ठीक। आप एम प्लस एन में से एम चूज कर लीजिए या फिर एन बात एक ही है, से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मीन्स हमने जो भी मेरा ये राइट वर्ड का टोटल स्टेप है ये मैं चूज करूं या फिर अप वर्ड का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा वही नंबर ऑफ वेज होगा। ये नंबर ऑफ हमारे शॉर्टेस्ट रूट्स होंगे। अब मैं यहाँ पे एक और कंडीशन लगाता हूं कि इस बार मुझे ए पॉइंट से होके ही जाना है। हमें कैसे मूव करना है, ए पॉइंट से होके ही निकलना है, मीन्स ऐसे चलना है फ्रॉम फ्रॉम ओ टू ए एंड ए टू पी, ये हमें करना है। तो फ्रॉम ओ टू पी, अगर आपको जाना है ओ टू पी तो आप ओ टू ए और ए से पी की तरफ जाएंगे, मतलब आप इस तरीके से मूव कर सकते हैं। कुछ ऐसे आप चले यहां पे, इस तरीके से आप ए पे आ गए, ऐसे आप मूव करें, मतलब आपके पास ए जंक्शन है, आपको यहां से होके ही निकलना है, आपके पास एक जंक्शन है इससे होके ही जाना है इस बार। तो यहाँ पे डेफिनेटली ओ टू ए एंड ए टू पी, तो मेथड ऑफ मल्टीप्लीकेशन यूज होगा। तो ओ टू ए के लिए नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, आप देख सकते हैं ए का कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है, मींस एक्स हॉरिजॉन्टल वाई वर्टिकल, मींस अप है ये, इसमें से आप हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कुछ भी चूज कर लीजिए, इनटू आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ए टू पी। तो अगर ए की बात करें, ए से पी जाने के लिए मेरे पास ये हॉरिजॉन्टल स्टेप क्या, मैं ये स्पैन कैलकुलेट करूंगा, तो ये वाला स्पैन मेरा क्या होगा, आप एम में से सिंपली क्या माइनस कर देंगे, एक्स माइनस कर देंगे, ये आपका हॉरिजॉन्टल स्टेप हो गया। और वर्टिकल स्टेप आपके पास क्या है, एन माइनस वाई है, ये टोटल है एन माइनस वाई है। तो अब आपके पास टोटल नंबर ऑफ वेज जो आएंगे वो होंगे एम माइनस एक्स प्लस एन माइनस वाई सी एम माइनस एक्स या फिर एन माइनस वाई, यानी आप इसको लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से एक्स प्लस वाई सी एक्स इंटू एम प्लस एन माइनस एक्स प्लस वाई सी एम माइनस एक्स, ये टोटल नंबर ऑफ आपके पास क्या होंगे, शॉर्टेस्ट रूट होंगे। अच्छा इस बार मैं इसमें एक और कंडीशन लगा देता हूं, मैं कहता हूं आप इस तरीके से मूव करो कि आप ए बी लाइन सेगमेंट से होके निकलो, मतलब ए बी लाइन आपके पाथ का एक हिस्सा हो, मतलब ऐसे जा रहे हो कुछ, आप ऐसे गए, आपको ए बी लाइन से होके निकलना है, इस बार आप कुछ ऐसे जाएंगे। तो अगर ए बी लाइन से होके निकलना है तो आप यहाँ पे एक चालाकी क्या करेंगे, आप ओ टू ए तो चले जाइए, फ्रॉम ओ टू ए आप जाइए एंड उसके बाद आप B से P की तरफ मूव कर जाइए। तो आपने यहाँ पे A पॉइंट को भी इंक्लूड कर लिया, B को भी इंक्लूड किया, इसका मतलब आपके पास AB लाइन यहाँ पे इंक्लूड है, दो पॉइंट्स आप एक लाइन बना सकते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेज आपको निकालने, तो ये तो भाई O टू A जाने के रूट्स हैं X प्लस वाई सी एक्स एंड, मतलब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपको चाहिए B टू P जाने के रूट्स, तो आप यहाँ पे अपना हॉरिजॉन्टल ये लेंथ मेजर कर लीजिए, ये आएगा आपके पास m माइनस एक्स माइनस वन और वर्टिकल कितना n माइनस वाई है, ठीक है। तो आप नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल स्टेप्स को सेलेक्ट करेंगे या फिर वर्टिकल, उससे आंसर पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्यों, क्योंकि एन सी आर की वैल्यू बराबर होती है एन सी एन माइनस आर के, ये बात आपको अच्छे से पता होगी। तो यानी भाई अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, m माइनस एक्स माइनस वन प्लस एन माइनस वाई से चूज करेंगे एम माइनस एक्स माइनस वन, ये आपके टोटल नंबर ऑफ वेज हो गया। इनको थोड़ा सा आप और अच्छा करके लिख सकते हैं, तो ये ऐसा कुछ होगा एक्स प्लस वाई सी एक्स इंटू एम प्लस एन माइनस एक्स प्लस वाई प्लस वन सी एम माइनस एक्स माइनस वन, ये आपके टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे, ठीक है। अब इन पे बेस्ड एक बहुत ही उम्दा आइडेंटिटी है जिसका नाम है वांडर मोंडे आइडेंटिटी।
इसका नाम क्या है, वांडर, मोंडेज आइडेंटिटी। ये ओलंपियाड के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी हम कह सकते हैं कि ये फंडा जेई में भी काफी हेल्प करता है। जेई में एक आध बार सब्जेक्टिव पेपर में ऐसे सवालों के दर्शन हुए हैं। तो वांडर मोंडे आइडेंटिटी का स्टेटमेंट अगर आप नंबर ऑफ ग्रिड वाले स्टेप से प्रूफ करने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही जल्दी हो जाएगा। तो ये आप करेंगे, अगली वीडियो में से हम डिस्कस करेंगे। तो आइडेंटिटी क्या है, एम सी जीरो इंटू एन सी आर प्लस एम सी वन इंटू एन सी आर माइनस वन प्लस एम सी आर इंटू एन सी जीरो। इसकी वैल्यू आएगी एम प्लस एन सी आर। ठीक है, ये आइडेंटिटी आप प्रूफ करेंगे तो ग्रिड वाली टेक्निक से बहुत ही आसानी से प्रूफ हो पाएगा। आपको यहाँ पे कोई और एल, इसे आप नॉर्मल सीरीज वाले मेथड से भी कर सकते हैं लेकिन वहां से मेहनत बहुत होगी, और इससे ये ओरल है अगर आप ग्रिड मेथड से करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।